आपको तो पता ही है कि एक्सरे बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है। एक्सरे की शोध के पहले टूटी हुई हड्डियां या गोलियों का स्थान, लोगों को लगी हुई गोलियों का स्थान डॉक्टर के लिए अनुमान का विषय था और पेशेंट्स इसकी कीमत चुकाते रहे थे। पर क्या आपको ये पता है कि एक्सरे की शोध एक एक्सीडेंट है? कुछ और काम करते समय एक्सरे की शोध की गई थी। जेबी मूवी क्राफ्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जय बदियानी। इस सीरीज में हम कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर्स को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उनको आपके सामने रखते हैं। कुछ एक्सीडेंटल डिस्कवरीज जो हुई है उसको भी आपके सामने रखते हैं। ऐसे कुछ रिसर्च पेपर्स या ऐसे कुछ डिस्कवरीज यहाँ पे है कि जिससे आप बोल उठेंगे कि वाह भाई मजा आ गया। प्लीज कमेंट इफ यू लाइक और डिसलाइक, प्लीज शेयर ताकि और लोग भी देख पाए। नियमित नोटिफिकेशंस पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में कम दबाव पर गैस के माध्यम से एक विद्युत प्रवाह के गुजरने के प्रभाव इंपैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हुए जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रोंटजन ने गलती से एक्सरे की शोध की। सबसे ठोस वस्तुओं को भी भेदने की ताकत उस ऊर्जावान विद्युत चुंबकीय विकिरण में थी, ऐसे कुछ एक्सरे की शोध यहां पे की गई। 1895 में उनकी खोज से पहले एक्सरे प्रायोगिक डिस्चार्ज ट्यूब से निकलने वाले कुछ अज्ञात विकिरण थे। एक्सरे ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन बीम थे जिसको 1869 में पहली बार देखे गए थे। 1895 में विलहेम रोंटजन नामक एक जर्मन भौतिक विज्ञानी कैथोड रे ट्यूब के साथ काम कर रहे थे। इस तथ्य के बावजूद कि ट्यूब को कवर किया गया था, उन्होंने देखा कि जब ट्यूब चालू था और कमरे में अंधेरा था तो एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो बाजू में रखी गई थी उसमें चमक आती थी, वो चमकती थी। किरणें किसी तरह उस स्क्रीन को रोशन कर रहे थे क्योंकि ट्यूब जब बंद थी तब वो स्क्रीन चमकती नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि ये किरणों कुछ कर रहे हैं, उससे ये स्क्रीन चमक रही है। उन्होंने उसको रोकने की ट्राई की, उस किरणों को सामने कुछ पदार्थ रखे, ज्यादातर चीजें उस किरणों को रोक नहीं पाई, किरणों को कोई फर्क नहीं पड़ा और फ्लोरोसेंट स्क्रीन चमकती रही। जब उन्होंने उस ट्यूब को रोकने के लिए अपना हाथ उसके सामने रखा तो उन्होंने देखा कि स्क्रीन पे पीछे उनको अपने हाथ की हड्डियां दिखाई दी। वाओ, ये तो कुछ सोचने वाली बात थी कि हाथ के अंदर की हड्डियां हम देख सकते थे। और उन्होंने फिर एक और ट्राई की कि वो स्क्रीन की जगह पे उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट रख दी तो अपनी हाथ का फोटो उनको दिखने लगा। तो ये पहला एक्सरे इस तरह से बना। चिकित्सा संस्थानों और अनुसंधान विभागों द्वारा जल्दी ही इस टेक्निक को अपनाया गया था। एक साल के भीतर भीतर ग्लासगो हॉस्पिटल ने रेडियोलॉजी विभाग भी खोल दिया और उनके प्रमुख ने एक बच्चे के गले में फंसा हुआ एक पैसा और किडनी की पथरी को भी देखा। हालांकि दुर्भाग्य से एक्सरे के विकिरण के जोखिमों के समझने से पहले ये कुछ ऐसा समय था जहां पे एक्सरे का बहुत ही यूज हुआ था। बट एक्सरे बहुत ही यूजफुल है ये तो हमने यहां पे समझ ही लिया था हिस्ट्री के थ्रू। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।